आज जो पंजाब पुलिस ने दिल्ली के अंदर आके गैर कानूनी तरीके तेजिंदर सिंह बग्गे को अरेस्ट किया है, गैर कानूनी तरीके के नाल घर के अंदर वड़े ने पंजाब पुलिस वाले, जितना किसी आतंकी अरेस्ट करना हो पिता जी जो कि गुरसिख ने उन्होंने कुटिया, जो वीडियो बना लगे अपने बच्चे के सामने कुट पी देख के उन्होंने मोबाइल खोया, उन्होंने कुट के कमरे च बंद किया, तेजिंदर सिंह बग्गा बिना दस्तार के मैं याद करा नंगे सिर कुटते उठ लैके गए की बना तेजिंदर बग्गे का, क्या तेजिंदर बग्गा आतंकी है, क्या तेजिंदर बग्गे ने किसी का कतल किया, नहीं, तेजिंदर बग्गे ने अरविंद केजरीवाल के झूठा एक्सपोज किया, तेजिंदर बग्गे ने अरविंद केजरीवाल के फ्रॉड को बेनशर किया, जितना हमने आर पी सिंह जी ने दसिया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी जिहड़ियां बेदबियां होईयां सी, अरविंद केजरीवाल कहिंदा सी साडे कोल नाम नहीं, असीं 24 घंटे च लोग अरेस्ट करांगे, तेजिंदर बग्गा बार बार पुछ रिहा सीगा उन्हां लोकां नूं कदों अरेस्ट करोगे, वह तो अरेस्ट नहीं हुए, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले से 50 दिन बाद भी अरेस्ट नहीं हुए, लेकिन जिन्हें सवाल पूछा पुलिस 50 लोग लैके उसके घर पहुंच गए। पंजाब के अंदर जो इस तरीके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, 40 तो ज्यादा बेगुनाह लोग हमने गैंगस्टर की गोलियों का शिकार हो चुके, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी पंजाब के अंदर दहशतगर्दों की गोलियों के शिकार हो चुके, पंजाब के अंदर नशे के हालात ये ने, लगातार पिछले दिन लोग मार रहे, 7 लोग हुण तक मारे गए, कल 2 नौजवान बच्चों मावां दे लाशां दिखियां, टीके लगा के मारे गए, तुसीं उन्हां नशे तस्करां नूं नहीं फड़ पा रहे, और तुसीं किस काम लगे जे उन्हां लोगों का मुंह बंद कर रहे, ड्रोन और धमकाउण लगे जे जिहड़े लोग तुहाडे झूठ नूं एक्सपोज कर रहे। मैं तुहानूं याद करवाना चाहुंदा अरविंद केजरीवाल जी, ये धरती पीरां फकीरां दी है, ये धरती उन्होंने योधिया दिया जिन्होंने देश के पिछे कुर्बानियां दित्तियां, गला च फांसियां दे फंदे लए, सानू ड्राउण वास्ते औरंगजेब तो लैके ज़करिया खान तक बहुतियां कोशिशां कर रहे ने, सानू ड्राउण तो वास्ते गोरियां ने बड़िया कोशिशां कीतियां, इस कांग्रेस ने अत्याचार किया, एमरजेंसी लाके सानू ड्राउण की कोशिश की, ना कभी पंजाबी डरिया है ना कभी डरे, सिख के अंदर किसी गल का खौफ नहीं पाया, तो सिर्फ गुरु का भी मन छुपाए, जे तू सोच रहे जी अरविंद केजरीवाल सानू डरा लोगे, सानू जेलों च बंद कर सकते जी, मुकदमे तक दर्ज कर सकते जी, पुलिस को टॉर्चर भी करा सकते जी, पर डरा के मुंह नहीं बंद करा सकते अरविंद केजरीवाल, एक गलत फहमी दूर कर, और जिस पुलिस ने गैर कानूनी कार्रवाई की है उन्होंने उत्ते कानूनी कार्रवाई होगी, पंजाब पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाई उत्ते मैं इस जगह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करद पहला कहा कि पंजाब पुलिस को सचेत होने की लोड़ है, अगर वह अपना टूर बन के आम आदमी पार्टी की सरकार वास्ते काम करूंगी उन्हों खमियाजा भुगतना पाऊगा, गैर कानूनी किडनैपिंग जी की कानूनी कार्रवाई करके किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कराया, असी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता देश का कार्यकर्ता तेजिंदर बग्गे नाल खड़ा है, इस देश के अंदर जी सरकार किसी ना बेइंसाफी नहीं होने दी, ये तो फिर पार्टी का आदमी है, और पंजाब पुलिस ने जो गैर कानूनी काम किया है उसके उत्ते कानूनी कार्रवाई करके किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया है, और असं यकीन नहीं बनावे क्योंकि कोर्ट की रूलिंग और लेटेस्ट रूलिंग 2022 की है, जिसते जस्टिस बिरदू जी ने बड़ा दोबारा तो रिट्रेट किया कि किसी भी सूरत अंदर दूजे स्टेट की पुलिस आके दिल्ली के अंदर या किसी स्टेट च जाके बिना लोकल पुलिस को नाल रहे उन्होंने दर्ज कराए बिना किसी अरेस्ट नहीं कर सकती, इट अमाउंट्स टू इलीगल डिटेंशन, इलीगल अरेस्ट, इस करके किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज होया है, कानूनी कार्रवाई करांगे, और जिन अफसर ने जुर्म की उन्होंने कानूनी कार्रवाई के तहत अंदर गैर कानूनी काम इस देश नहीं होने देंगे, और अरविंद केजरीवाल मैं दोबारा तो याद करवा देना भगवंत मान जी, भगवंत मान जी तुम सिखा बदनाम कर रहे, तुम पंजाब 1980 के वापस उस दशक च लैके जा रहे जी, जिस दशक च कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने और गांधी परिवार ने जिस तरीके सानू बदनाम किया, सानू अतवादी वक्खवादी दसिया, उस रस्ते जा रहे थे सिखा, मैं पंजाब के लोगों और दुनिया भर वास्ते सिखा आगाह करना चाहना है, अरविंद केजरीवाल देश की सत्ता हासिल करने वास्ते पंजाबियों बदनाम करेगा, सिखा बदनाम करके जेल च बंद करेगा, कुटेगा लुटेगा मारेगा, और फिर कहेगा कि देखो मैं अमन शाह के रहने दी मैं वोटा पाओ, यही काम गांधी परिवार ने किया,
और राहुल गांधी ने पिछले दिन ट्वीट करके क्लैरिफाई किया कि पंजाब को प्रयोग ना करो, बड़ा खतरनाक है। क्यों किया उन्हें? क्योंकि उन्हें पता से फोर फादर ने काम किया, से खमियाजा भुगतना पाया सारे देश में। इस करके असी जो ना सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेकसूर तजिंदर भट्टा के नाल खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल का एक घिनौना चेहरा एक्सपोज करते रहे हैं, करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के झूठ और जिस तरीके लुट सुट कर रहे हैं, पंजाब के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके पैसे खर्च कर रहे हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया खबर छपी है 45 लाख रुपया खर्च करके अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार का गुजरात के लिए। याद रखियो, पंजाब सरकार का पंजाब के लोगों का 45 लाख रुपया खर्च करके ते गुजरात गए ने अरविंद केजरीवाल के भगवंत मान यह काम कर रहे पंजाब लुटन का, यह नहीं हो देंगे। तेजिंदर भट्टा जो बेइंसाफी हुई है उन्हें इंसाफ दवाएंगे, उन्हें नाल करें और गैर कानूनी जी पुलिस ने कार्रवाई की उन्होंने कार्रवाई करके अंदर बंद करें।